हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर। दोस्तों, चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हम लोग जो 12,000 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर चल रहे हैं, पहले हम लोग इसमें मैथ ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद साइंस से स्टार्ट करेंगे, फिर आर्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपको हमने जो पहले वीडियो में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही बताएंगे, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हल्का हल्का प्रश्न है जो आप खुद कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर में जब हम लोग चलेंगे तो पूरा के पूरा प्रश्न जो है हल कर देंगे बहुपद में, ठीक है। दूसरे चैप्टर से सारा चैप्टर का पूरा पूरा प्रश्न हल करेंगे। तो आइए, जो है ये जो है वीडियो तीसरा एपिसोड है, यानी तीसरा वीडियो है, और आगे हम लोग चलते हैं, दो चार क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 10 मिनट 12 मिनट का जो है वीडियो होगा, उससे कम का भी हो सकता है। एक वीडियो में आपको दो से चार क्वेश्चन जो है मिलेगा, हल्का होगा तो चार क्वेश्चन मिलेगा, अगर थोड़ा बड़ा होगा तो दो तीन क्वेश्चन ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक पूछा जा रहा है, यहाँ पर 2 का घातांक पूछा जा रहा है, तो हम लोग बनाएंगे इसको। चलिए, तो 144 को फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। 144 को तो 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से 2 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 9 18 और 3 तिया 9। देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 144 को, तो 2 का पावर कितना, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 और गुना 3 का पावर 2 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर 2 का घात कितना है, तो 2 का घात कितना है, तो 2 का घात यहाँ पर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न बनाएंगे, यानी 2 का घात 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए। समय दे रहा है तो देखो ना, का दिक्कत है, काहे आना तो घर चले जाओ। चलिए, 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा। तो याद करिए आप जो है ना फॉर्मूला, पी एक्स बराबर, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में हम लिख देते हैं इसको, भाज्य बराबर होता है भाजक, खिला दिएगा है, ठीक है, ठीक है सर, भाजक गुना, ध्यान दीजिए इधर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, इसी से हम लोग, तो हमको निकालना है भागफल, तो सबसे पहले शेष इधर लाएंगे। तो भाज्य फार्मूला बता दे रहे हैं, डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन फार्मूला लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाज्य माइनस शेष हो जाएगा, बराबर हो गया भाजक गुना भागफल, और भागफल के लिए अब फार्मूला हम लोग लिखेंगे, भागफल बराबर, देखिए भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष और बट्टा में क्या जाएगा, तो भाजक हो जाएगा। अभी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और इसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे, उतना फार्मूला लिखेंगे नहीं, याद रखेंगे, हम आप लोग को दिखा दिए हैं, याद कर लीजिएगा इसको। देखिए क्या कर रहा है, 47 से 379 में भाग दिए, मतलब 379 क्या है, भाज्य है, और शेष कितना आया है, 3 बचा है, भाजक जो है कितना है, जो है 3 है, और भाजक जो है कितना है, तो भाजक है 47, 47 से भाग दिया गया है, तो मिला करके यहाँ घटा लीजिएगा तो 376 आ जाएगा और बटा 47। अब 376 में 47 से भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, ये देखिए, तो इसे हम लोग काटेंगे
तो 8 7 56, 8 4 32 और 5 37, मतलब ये कट जाएगा आपको 8 मरतबे कट जाएगा, यानी 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है प्रश्न जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 5, 7, 2 और 3। तो सबसे पहले समझिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। इसमें 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर कहीं कहीं पूछ दे कि सम अभाज्य सबसे छोटी या एक होता ही है, सम अभाज्य भी अगर पूछता है तो 2 आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करता है, और पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ये आपका जो है परमेय 1.3 के हिसाब से, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी जो है ए को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 3 के स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्या करेगा, 3 को भी विभाजित कर देगा। तो इसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, पी ए को विभाजित करेगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, खैर देखिए, पर है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17 है, तो लसा क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो लसा यानी एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा होता है एचसीएम। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखे तो एलसीएम होगा। तो मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670 और बटा कितना हो जाएगा, मसा 17 हो जाएगा। अब इससे जो हम काटेंगे इसको, ठीक है, तो कितना मरतबे कटेगा, ये देखिए 17 5 85 और 17 1 17 0 का 0, यानी 510 आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका इसमें सही है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2, 2m+1, 2m या 2m-1। ठीक है, तो जिस संख्या के लास्ट में 2 जोड़ा हुआ होगा वह जो है सम संख्या का रूप होगा, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? पर आया कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुना ab का लसा क्या होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर सी ऑप्शन में है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर जो है अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये तीसरा वीडियो था।